welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So first of all, happy Navratri to all of you and happy Ramzan also. अच्छाई को बरकरार रखिए और अगर आपके अंदर अच्छाई है तो बुराई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, है ना। तो ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगी, सिर्फ मुझे आप लोगों को विशेष देनी थी अपनी तरफ से। और अब सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टाइटल देख के तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में। तो मैंने everstylish.com से रिसेंटली कुछ ज्वेलरी परचेज किया, स्पेसिफिकली मैंने इयररिंग्स परचेज किए और ये मैंने फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट से कुछ खरीदा है। सो आई एम नॉट एट ऑल श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट आई हैव रिसीव्ड, बिकॉज मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किए हैं। मैं आप लोग के सामने इसके अनबॉक्सिंग करके और आप लोग के साथ ये हॉल शेयर करना चाहती थी। सो हियर आई एम। तो ये बॉक्स आया है everstylish.com से और इसके अंदर मैंने 7 इयररिंग्स परचेज़ किए हैं और जो सबसे लोएस्ट प्राइस का जो इयररिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80 रुपये के बीच का है। जो मैंने वेबसाइट पे ऑप्शंस देखे थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर थे। आई डोंट नो इस डब्बे के अंदर कैसे इयररिंग्स आए हैं, क्या उनकी क्वालिटी है। चलो फटाफट से इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कैसे इयररिंग्स हैं। सबसे पहले मैं इस बॉक्स को अनबॉक्स कर लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ सिजर, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी टेप्स लगी हुई हैं। So I'll just cut it from here. Oh, so यहाँ से मैंने कट किया and that's how it opens. ये इनवॉइस है जो इन्होंने दिया है। ये ऊपर इन्होंने सेफ्टी गार्ड लगाया है एक, जिससे कि ट्रांजिट में कुछ डैमेज ना हो। आई होप कुछ डैमेज ना हुआ हो। ये इस तरीके से इसके अंदर इन्होंने इयररिंग्स रखे हैं। टोटल 7 इयररिंग्स एक बार काउंट कर लूँ। 1 2 3 4 5 6 and 7। हाँ भाई, 7 ही हैं। और ये नीचे भी इन्होंने एक प्रोटेक्शन दिया है, तो ऊपर नीचे जहाँ पे इयररिंग्स रखे वहाँ पे इन्होंने ये थर्माकोल टाइप का ये सॉफ्ट सा फोम का कुछ लगाया और ऊपर इयररिंग्स रखने के बाद भी फोम का लगाया, जिससे कि इयररिंग्स को कुछ डैमेज ना हो ट्रांजिट में। ठीक है, अब इस बॉक्स को हम रख देते हैं साइड में। अब मैं एक करके ये इयररिंग्स को ओपन करूँगी। सबसे पहले आई विल ओपन दिस वन। तो ये मैंने छोटी सी बहुत स्मॉल साइज़ की ये मल्टी कलर झुमकियाँ मंगवाई हैं। ये ऊपर सिल्वर कलर है और नीचे ये मल्टी कलर बीट्स हैं। तो ये किसी भी टाइप की कुर्ती या अटायर पे ये मैच कर सकता है। तो ये रहे ये इयररिंग्स, आप देख सकते हैं कितने सुंदर है, बहुत प्यारे लग रहे हैं और बहुत लाइट वेटेड हैं यार, बहुत हल्के हैं, बहुत ही हल्के। सो दैट्स हाउ दे लुक। बहुत सुंदर इयररिंग्स हैं यार, मतलब इनके नीचे जो ये मल्टी कलर जो ये बीट्स है ना, ये बहुत प्यारी हैं। ये आप कोई भी सूट पहन लो या फिर आप कोई कुर्ती और जीन्स पहन रहे हो उसके ऊपर भी इसको पहन सकते हो। बहुत इन है आजकल इस टाइप की स्मॉल झुमके। आप ऑफिस जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो या फिर छोटा मोटा कोई घर के अंदर ओकेजन हो, यू कैन डेफिनेटली ट्राई देम। इतने सुंदर लग रहे हैं। और ये मैंने आज वाइट कुर्ता पहना है, उसके ऊपर तो ये और भी जच रहे हैं, तो बहुत प्यारे हैं। आई जस्ट लव देम। इनको मैंने कितने में परचेज़ किया वो MRP मैं स्क्रीन पे लिख दूँगी, वो मुझे याद नहीं है कि कितने में किया था। तो बट जितने में भी किया ये वर्थ द प्राइस है एंड मुझे बहुत अच्छे लगे। दूसरी जो है ये मैंने झुमकियाँ मंगवाई हैं, ये स्टर्ट स्टाइल में है। तो मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बट जैसे हम अपने टॉप्स वगैरह पहनते हैं, स्टर्ट्स पहनते हैं, तो उसमें घुमाने वाला होता है, ऐसे ही इसमें भी है। बहुत छोटी सी है और बहुत प्यारी सी है, तो चलो इसको भी पहन के देखते हैं। तो ये रही ये छोटी सी प्यारी सी झुमकियाँ, ये देखो। और अगेन इसका वेट बहुत लाइट है और ये आप डेली वेयर में पहन सकते हो, कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो। तो इसको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। जीन्स के ऊपर पहन सकते हैं, एथनिक के ऊपर पहन सकते हैं, फ्यूजन आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं इसको पहन के। और बहुत प्यारी झुमकियाँ हैं, बहुत छोटी छोटी सी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा गॉडी लुक देगा, बहुत सोबर सी है, डेलिकेट सी है, सॉफ्ट लुक दे रहा है इसको पहन के। तो इसको आप डेफिनेटली अपने डेली वेयर में इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। आई एम वेरी मच हैप्पी विद दीज इयररिंग्स ऑल्सो। सो ये है मेरे पास नेक्स्ट है, ब्लैक कलर में है ये और बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। पैकेट के अंदर तो लग रहा है, ये नहीं पता मेरे पे कितना सुंदर लगेगा। आई जस्ट ओपन इट। ये भी स्टड स्टाइल में ही है, पीछे ये नॉब से हुक दे रखा है, आप इसको लगा लीजिए जैसे आप ये टॉप्स वगैरह पहनते हैं। एंड ये ऐसे हैंगिंग है और बहुत प्यारे लग रहे हैं। आई जस्ट वेयर देम एंड लेट्स सी हाउ दे लुक ऑन मी। तो ये मैंने पहन लिए। मेरे ब्लैक कलर हैंगिंग्स बहुत प्यारे, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा चमचम भी नहीं है, गॉडी लुक भी नहीं आ रहा। मैं जब इसको ऑनलाइन परचेज करी थी आई वॉज नॉट वेरी मच श्योर कि क्योंकि इसमें ये आप देख सकते हो गोल्डन और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है, तो आई वॉज लाइक ये बहुत ज़्यादा चमचम, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे गॉडी लुक ना दे। बट देन आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। दे आर ट्रेंडी, दे आर स्टाइलिश, बट एट द सेम टाइम दे गिव यू वेरी एलिगेंट एंड सोबर लुक एज वेल। ये वेस्टर्न वेयर, वेस्टर्न ड्रेसेस के ऊपर बहुत सुंदर लगेंगे। कोई पार्टी में जा रहे हैं, कोई ओकेजन है, फ्रेंड्स के साथ किसी पार्टी में जा रहे हैं या आउटिंग पे जा रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैम। दे आर रियली 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 अमेजिंग एंड आई थिंक ब्लैक कैन नेवर गो रॉन्ग। ब्लैक तो मतलब सभी पे ही अच्छा लगता है, कोई भी पहन ले। तो मुझे ये बहुत बहुत प्यारे लगे, बल्कि मैंने जो पहले दो दिखाए आप लोग को उनसे भी ज़्यादा मुझे ये प्यारा लगा। नेक्स्ट इयरिंग है, उस पर त्रिशूल बना हुआ है और ये गणेश जी बने हुए हैं, तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है। इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, देखिए दैट्स हाउ दे लुक, गणेश जी एंड त्रिशूल। इनको तो यार गणपति पे पहनो, कितना अच्छा फील और लुक आएगा ना। तो ये मैंने पहन लिए ये वाले इयरिंग्स भी, और ये देखिए दैट्स हाउ दे लुक। गणेश जी, त्रिशूल आपने अपने कानों में लटका रखे हैं, थोड़े से हैवी हैं, पर गणेश जी है, त्रिशूल बना हुआ है, हैवी तो होंगे ही, पर बहुत सुंदर हैं यार, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही ट्रेंडी, बहुत ही एलिगेंट, क्लासी लग रहे हैं। मुझे बहुत पसंद आए। पता नहीं यार, जितने इयरिंग्स मैं खोलती जा रही हूँ, पहला दूसरा वाला मुझे पहले वाले से अच्छा लगा, तीसरा वाला मुझे पहले दो से अच्छा लगा, और अब ये मुझे अगेन वो बाकी तीनों से अच्छा लग रहा है। बट कोई कंपैरिजन नहीं है। ये थोड़ा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में आता है, और इसमें ये वाइट कलर से आप देख सकते हो मोती टांगे हुए हैं, और बाकी पूरा ऑक्सीडाइज उसमें है, ज्वेलरी स्टाइल में है, तो पर लुक बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। आई जस्ट लव्ड इट। अभी तक जितने इयरिंग्स मैंने ट्राई किए हैं सारे बहुत सुंदर है। मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतने कम प्राइस में एवर स्टाइलिश से इतनी अच्छी ज्वेलरी आ सकती है। तो चलो अपने अगले इयरिंग पे चलते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये टोटल जो मैंने 7 इयरिंग्स ख़रीदे हैं, ये मुझे टोटल पड़े 1200 से 1250 की रेंज में। और अब जब मैंने अनबॉक्स कर करके और ट्राई कर करके देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है यार दे आर टोटली वर्थ द प्राइस, और बहुत सुंदर हैं, बहुत ही प्यारे हैं। नेक्स्ट इयरिंग है, ये रेड कलर के हैंगिंग्स हैं, बीट्स वाले। लेट्स जस्ट ट्राई देम एज ऑल्सो, हैव अ लुक। कितने प्यारे लग रहे हैं ये, माई गॉड आई जस्ट लव देम। तो ये मैंने पहले ये रेड वाले, कितने सुंदर लग रहे हैं, आई एम सो हैप्पी। ये देखो ऐसे हैंगिंग और ये रेड कलर की बीट्स हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और क्योंकि मैंने आज ये वाइट कलर की कुर्ती पहनी है तो उसके ऊपर ये रेड जो है ना वो कंट्रास्ट में आ रहा है, तो और ज़्यादा ये इयरिंग्स ना उभर के आ रहे हैं। और थोड़े से बड़े हैं साइज़ में, बट ठीक है, कभी कभी बड़े, आपको हर टाइप के कपड़े, हर टाइप की ज्वेलरी पहननी चाहिए, तो ही आपको पता चलता है कि आप पे क्या सूट करे, क्या नहीं करे। और ये मुझे अपने ऊपर तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनको आप सूट के साथ, कुर्ती के साथ, कुछ फ्यूजन, कोई कुर्ती या जीन्स पहन रहे हैं उसके साथ पहन सकते हैं, कोई ड्रेस के साथ पहन सकते हैं, बहुत प्यारे। आई एम रियली 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 लविंग देम। देखने में बहुत हैवी लग रहे होंगे पर बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बहुत लाइट वेट है। मुझे फील ही नहीं हो रहा कि मैंने कान में कुछ ऐसे टांगा हुआ है। तो यार सीरियसली एवर स्टाइलिश आई लव। और इतना जो प्यार मैं इस साइड पे बरसा रही हूँ वो इसलिए बरसा रही क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अभी तक इन सब के साथ अच्छा जा रहा है, और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। ठीक है, तो चलो अब फटाफट से नेक्स्ट इयरिंग पे चलते हैं, बट ये बहुत सुंदर है। तो चलते हैं अपने अगले इयरिंग पे। ये है अगेन ऐसे लटकाने वाली झुमकियाँ, छोटी छोटी। लेट्स सी कैसे निकल के आती हैं ये यार, ये जब मैंने ऑर्डर की थी थोड़ी बड़ी बड़ी लग रही थी, पर ये पैकेट में तो बहुत चुन्नी चुन्नी छोटी छोटी सी लग रही हैं। चलो देखते हैं, पहन के देखते हैं कैसे लगती है। दैट्स हाउ दे लुक। अब थोड़ी सी मैं डिसअपॉइंटेड हो रही हूँ इसको देखने के बाद, बिकॉज मैंने थोड़ा सा इसका बल्कि वाले जो ऐसे लटकने वाले होते ना थोड़े बड़े वो सोचे थे, बट ये ऐसे आए हैं। तो एक बार पहन के देखते हैं, आई होप डिसअपॉइंटमेंट दूर हो जाएगी। ओके तो ये है इयरिंग्स। ठीक है, बुरे नहीं है, आई वुड से अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, बट जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं है। बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये जो झुमकियाँ हैं इसमें ये थोड़ी बड़ी होंगी साइज़ में, तो ये और अच्छे से निकल के आएंगे, ये इयरिंग्स उभर के आएंगे। बिकॉज ये छोटी छोटी और एक छोटी झुमकियाँ जो मैंने आपको दिखाई, ये वाली ये वाली, ये ऑलरेडी मेरे पास हो गई है, तो ये थोड़ा रिपीटेशन में हो गया है, इसलिए मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ। बट अदरवाइज दे नॉट लुकिंग बैड, हाँ दे लुकिंग रियली 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 गुड, बट हाँ नॉट एज पर माई एक्सपेक्टेशन, व्हाट आई एक्सपेक्टेड इमेजिन वैसा नहीं है, बट पहन सकते हैं। दे नॉट लुकिंग बैड, दे लुकिंग गुड। अब बारी आती है आखिरी पेयर ऑफ एयरिंग की, जो कि मेरे फेवरेट है, जो कि मैं आपको बता रही थी कि मैंने एक पेयर ऑफ एयरिंग खरीदा जो कि हाई साइड में है, वो हैं ये। बहुत सुंदर है ना ये, मतलब ये है तकरीबन 400-450 की रेंज के अंडर, बट यार ये लगे ही मुझे इतने सुंदर ना कि मैं इनको इग्नोर ही नहीं कर पाई। मतलब यू वोंट बिलीव, मैंने इनको 2 बार कार्ड से हटाया, फिर 2 बार ऐड किया, एंड थर्ड टाइम आई वाज लाइक चलिए यार खरीद लेते हैं, बिकॉज अच्छी चीज़ कभी छोड़नी नहीं चाहिए। दे आर सो डैम ब्यूटीफुल यार, मतलब ये पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये ऐसे ही कितने सुंदर लग रहे हैं। आई वॉज सो श्योर कि ये वाले तो दे विल नॉट गो रॉन्ग, एंड आई वॉज राइट। तो चलो इसको भी पहन के एक बार दिखाते हैं आपको। सो दैट्स हाउ दे लुक, दे लुकिंग सो ब्यूटिफुल, मल्टी कलर्ड हैं, बहुत स्टर्डी हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हालांकि थोड़े से हैवी हैं मेरे कान के हिसाब से, एज आई जस्ट सेड कि मैं हैवी ईयरिंग्स नहीं पहनती, बट इसको पहन लूँगी यार क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इनको तो मतलब कोई भी ओकेजन, शादी, पार्टी, साड़ी के ऊपर ही पहन सकते हैं यार इन्हें। तो यू कैन वेयर देम ऑन साड़ी, यू कैन वेयर देम ऑन ड्रेसेस, यू कैन वेयर देम ऑन सूट्स, कुर्ती, मतलब आप इसको किसी भी ड्रेस के साथ पेयर अप कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर दे कैन नेवर गो रॉन्ग, बिकॉज दे आर सो डैम ब्यूटिफुल, बहुत ही प्यारे हैं। मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। सो आई एम रियली रियली हैप्पी अबाउट दीज वंस। सो दिस वॉज इट। मैंने अपने सारे इयरिंग्स आपको खोल के दिखा दिए, पहन के दिखा दिया, अपना फीडबैक भी दे दिया। ये तो मैंने उतारे ही नहीं है, इतने सुंदर लग रहे हैं, मेरा मन ही नहीं करा इनको उतारने का। आई जस्ट लव ऑल दी इयरिंग्स दैट आई हैव गॉट फ्रॉम एवर स्टाइलिश, एंड रियली रियली क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, स्टर्डी है। मतलब मैंने कुछ जो इयरिंग्स जैसे मैंने ये है, दे क्वाइट स्टर्डी, तो ऐसे नहीं कि टूट जाएंगे जल्दी, बाकी तो आगे यूज़ करूँगी तो पता चलेगा। बट एज ऑफ नाउ दे लुकिंग रियली रियली गुड, क्वालिटी वाइज, डिज़ाइन वाइज, दे ट्रेंडी, दे स्टाइलिश, एंड ऑफकोर्स इनकी जो डिलीवरी भी हुई ना वो एक दिन में हो गई थी। मतलब मैंने ऐसे कल ऑर्डर प्लेस किया एंड नेक्स्ट डे दे गॉट डिलीवर्ड। ऑल्दो उन्होंने जो डेट की रेंज दी थी वो थोड़ी लंबी टाइम की दी थी, बट आई डोंट नो, आई वाज वेरी सरप्राइज कि नेक्स्ट डे कैसे डिलीवर हो गए। सो दैट वाज ऑल्सो आई एम वेरी मच हैप्पी, सो आई एम वेरी मच हैप्पी विद माई शॉपिंग ऑन एवर स्टाइलिश, एंड आई एम डेफिनेटली गोना ट्राई दिस वेबसाइट अगेन फॉर माई अदर ज्वेलरी ऑप्शंस। ओके, तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, अपने कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछ लेना, आई विल आंसर दैट। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का सिंबल है, उस पे क्लिक करना मत भूलना, बिकॉज अगर उस पे क्लिक नहीं करोगे तो मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए। ठीक है, आई विल बी बैक विद माय न्यू वीडियो। तब तक के लिए खुश रहो, अच्छे से रहो, मज़े में रहो, पॉजिटिव रहो, कोरोना पॉजिटिव मत रहो, मास्क लगाते रहो, केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। सो प्लीज़, कोई इमरजेंसी है तभी घर से स्टेप आउट करिए, एसेंशियल्स के लिए स्टेप आउट करिए, पॉसिबल हो तो घर में जितनी होम डिलीवरी हो सकती है सामान की वो ही करिए, और जो भी सामान घर में आ रहा है उसको प्रॉपर्ली सैनिटाइज करिए, सब्जियों को धोइए, दूध की थैली को अच्छे से धोइए, तभी उनका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।